हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ZRF। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार हैं या पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये UGC नेट ZRF का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। कब? ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है जिसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करें, सेशन को लाइक करके जाएं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व होने के बाद इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ये फेसबुक पेज है। अगर चैनल यूट्यूब चैनल पे आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है तो उसका लिंक आप फेसबुक पेज से भी ढूंढ सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21, 15, 16, 17, 21 से हम लोगों ने लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इनमें से डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? डायबिटीज मेलाइटस है क्या? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक तो पॉलीयूरिया हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया एंड पॉलीफेजिया। ये होते क्या है? पॉलीयूरिया मीन्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना। ग्लाइकोसूरिया, सूरिया मीन्स यूरिन, ठीक है। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। उसके बाद है पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स फ्रीक्वेंटली या बार बार। उसके बाद फेजिया, ये क्या है? फेजिया मीन्स हंगर। तो ये कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। क्या है? बार बार यूरिन आना, यूरिन में ग्लूकोज आना और बार बार भूख लगना। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? 1, 3 एंड 4। अब बचे वाले ऑप्शंस क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, हमने दो टर्म पढ़ा है, एक पढ़ा है हाइपो, दूसरा पढ़ा है हाइपर। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लाइसीमिया मीन्स हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज। और डायबिटीज में होता क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे है हाइपो, हाइपो का मतलब है कम, मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम होना, तो ये तो नहीं होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम होना, जो कि हमारा डायबिटीज का सिम्टम नहीं है। उसके बाद आता है एडिमा, एडिमा मीन्स स्वेलिंग। उसके बाद आता है टेस्ट इक्विटी, ये क्या होता है? जब टेस्ट नहीं आता है, और ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। जिंक की जब कमी होती है या डेफिशिएंसी होता है, उससे होता है टेस्ट इक्विटी, जो टेस्ट नहीं आता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो एल्डर पीपल होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको टेस्ट बहुत ज्यादा टेस्ट डिफरेंशिएशन उनको नहीं हो पाता है, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसमें से सिम्टम्स कौन कौन है डायबिटीज मेलाइटस के? वो है पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया एंड पॉलीफेजिया। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? फॉलोइंग रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड फॉर कैलकुलेटिंग फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस ऑफ पेरिसेबल, सेंसस, स्टोर रूम इशू या परचेज ऑर्डर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी आराम से देख सकते हैं। ऑप्शंस कॉमन है इसलिए ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमको करना क्या है? अगर हमको फूड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जिससे हम बता सकें कि जो भी हमने फूड बनाया है उसमें हमारी क्या लागत है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग सीरियल से देखते हैं, जैसे हमें कोई खाना बनाना है तो उसके लिए हम क्या, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मार्केट से लेके आएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए?
एक तो हमारा कैश रिसिप्ट होना चाहिए, उसके बाद इनवॉइस ऑफ पेरिसेबल, फिर जो जो सामान हम लेके आए हैं हमको पता होना चाहिए उसमें क्या सामान खराब होने वाला है, कौन सा सामान खराब होने वाला नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि हमारी रेसिपी हम क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी। फिर स्टोर रूम इशू, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही हो जाएगा। कैश रिसिप्ट, इनवॉइस ऑफ पेरिसेबल, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी, स्टोर रूम इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन मींस ऐसी ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा हम चीजें यूज कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हो, मींस किसी भी चीज को हार्म ना कर रही हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें या ह्यूमन नीड्स की बात करें या हम ह्यूमन एम्स की बात करें कि हमारा एम क्या है, गोल क्या है, ह्यूमन नीड क्या है, अपने नीड्स को या एम्स को फुलफिल करने के लिए हमें जो भी रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है, उन रिसोर्स वो रिसोर्स हम जो हमें हमारा जो भी एम है या हमारी जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वो रिसोर्स यूज करने के साथ साथ क्या है, हमारा जो नेचर सिस्टम है या जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसको कोई नुकसान, जो हमारा नेचुरल सिस्टम चला रहा है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद और क्या है, जो भी हमने रिसोर्स यूज किए हैं ये प्रेजेंट में तो हम यूज करते ही हैं इनको, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी बचे रहें, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स ऐसा कोई डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो डेवलपमेंट है या जो हमारी नीड्स है, जो हमारा एम्स है, उसके लिए जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स किसी भी चीज को या किसी भी तरह से किसी को हार्म ना करें या हानिकारक ना हो किसी के लिए। जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट में यूज होने के साथ साथ हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचे रहे, उनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, लो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये लो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ये हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। बचे के क्या, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, इकोनॉमिक सस्टेन, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए मीन्स हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, इकोनॉमिक मीन्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, सोशियो पॉलिटिकल मीन्स हमारा जो आसपास का सोसाइटी है और हमारा जो कल्चर है किसी भी चीज को कोई हार्म ना हो, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अप्रोप्रिएट वे टू स्टिमुलेट पोज ऑफ टच। टच की फीलिंग या किसी जो बच्चा है उसमें अगर हमको उसको बताना है कि किसी भी चीज को वो टच कर रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, ये चीजें अगर हमें बच्चे को टच लेसन सिखाना है तो उसको हम कैसे बताएंगे, तो क्या क्या चीजें हैं जो करके बच्चे को सिखाया जा सकता है या बताया जा सकता है कि जो टच वाली फीलिंग है आपको किसी चीज को टच करके बताना है ये कैसा है। तो ऑप्शंस क्या है, मसाज, एक्सपोज टू डिफरेंट टेक्सचर, जेंटल केयर एंड टच, प्लेइंग विद द चाइल्ड। तो हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, चाइल्ड को हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर से मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के बारे में बताना है या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बताना है कि चीजों को अगर आप छू रहे हैं और छू के आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा उनको आप बता कैसे बच्चे उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे सिल्क का कपड़ा छू रहे हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वही अगर जूट का कपड़ा छू रहे हैं तो वो रफ है, कॉटन छू रहे हैं तो वो ठंडा लग रहा है, वुलन का कपड़ा है तो वो हल्का सा हाथ में गर्म फील दे रहा है, तो ये सब क्या है, सेंस ऑफ टच है। या तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें मसाज आएगा, एक्सपोज टू डिफरेंट डिफरेंट टच मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उसको टच करके बताना, जेंटल केयर एंड टच, ये प्लेइंग विद द चाइल्ड ये नहीं आएगा। तो हमारा 1, 2 एंड 3 हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और इसके पहले एक क्वेश्चन ये है जो ये हम लोग अभी क्वेश्चन ये पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जून 2013 का है, ये जब क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, ये पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग CUET
पीजी के को हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व होने के बाद सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पेरेंटल रोल इन द फैमिली चेंजेस ड्यूरिंग, फैमिली में पेरेंट्स के रोल या परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन कब होता है। ऑप्शंस क्या है, चाइल्ड बियरिंग स्टेज, चाइल्ड रियरिंग स्टेज, स्टेब्लिशिंग स्टेज या रिकंस्ट्रक्शन इमेज स्टेज। यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, पेरेंटल रोल या पेरेंट्स, और हमारे स्टेजेस क्या क्या है, चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड रियरिंग, उसके बाद स्टेब्लिशिंग। अगर स्टेब्लिशिंग स्टेज है, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ दो ही लोग हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली कपल्स, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन स्टेज, ये भी एक, इसको भी हम बोलेंगे, यहाँ पे भी ये एक तरह की मीन्स ये है कि आप फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी फैमिली सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हस्बैंड और वाइफ दो ही लोग हैं, उसको भी हम लोग बोलेंगे कपल्स। तो मीन्स क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग देख रहे हैं, तो आप यहाँ से इजिली आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो पेरेंट्स कहाँ पे होंगे, जब उनके पास चिल्ड्रेन होंगे या चाइल्ड होंगे, तो चाइल्ड बियरिंग स्टेज, चाइल्ड रियरिंग स्टेज, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉक स्टेज इज, लॉक स्टेज क्या है। तो अगर हम बात करें लॉक स्टेज के बारे में, ये सिंपल मशीन स्टेज है, मशीन स्टेज, जब भी आप मशीन स्टिच की बात करें, तो ये सिंपल लॉक स्टिच जो है सिंपल मशीन स्टिच है। और ये यूज कहाँ होता है, ये नॉर्मली यूज होता है कहाँ, जो भी हमारा कोई ड्रेस है, ड्रेस के ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं, तो लेबल के ऊपर जो स्टिच लगी होती है वो लॉक स्टिच होती है। तो ये जो लॉक स्टिच होती है वो कैसी होती है, ये रिवर्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस मैं चेक कर लूँ, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ऑप्शन। हाँ सही है, एक तो जो लॉक स्टिच कैसी होती है, वो रिवर्सिबल होती है, उसके बाद प्रिसाइज स्टिचिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, एक सटीक सिलाई के लिए। जैसे सटीक सिलाई मतलब हमको कोई लेबल्स लगाने हैं ड्रेस के ऊपर, और ये रिवर्सिबल होती है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। लॉक स्टिच है क्या, ये सिंपल एक मशीन स्टिच है, जो कि कॉमनली यूज मशीन स्टिच है, इसको नॉर्मली लेबल्स वगैरह लगाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉक स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27, तो क्या है, जापानीज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम इंक्लूड, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, इनमें से जापानीज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम कौन कौन सी है, ऑप्शंस क्या है, किमोनो, युक्ता, तातामी और जानसी। तो यहाँ पे जो किमोनो है, युक्ता है और जानसी है, ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, और जो ये तातामी है, तातामी हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है। तो यहाँ से जैसे जिसमें जिसमें तीन है वो कट जाएंगे, बचे कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो तातामी ये क्या है, ये ट्रेडिशनल फ्लोर कवरिंग है, नॉर्मली फ्लोर्स को कवर करने के लिए कुछ डिजाइन यूज किया गया है, उसको हम बोलते हैं ततामी, जापानीज ट्रेडिशनल फ्लोर कवरिंग है। बाकी जो बचा किमोनो, युकता और जानसी, ये जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल प्रिंटिंग लीड्स टू, अगर प्रिंटिंग के लिए डिजिटल मेथड यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, ऑप्शंस क्या है, इकोनॉमिक शॉर्ट रन, सैंपल इन मल्टीपल कल सैंपलिंग इन मल्टीपल कलर्स, इंक्रीज इन डाउन टाइम या मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो हमारा डिजिटल प्रिंटिंग हम यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्रिंटिंग मीन्स हम मशीन यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए। अब मशीन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेंगी, हम एक साथ मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं, हम एक साथ बहुत सारा कस्टमाइज प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम मशीन यूज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन डाउन टाइम मीन्स टाइम जो हमारा एक ड्रेस को बनाने में टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा गलत है।
कोई भी चीज अगर आप खुद से काम कर रहे हैं, सेम वही चीज आप मशीन से कर रहे हैं, तो आप जब खुद से काम करेंगे उसमें टाइम लगेगा। मशीन से आप मल्टीपल लेयर्स एक साथ बना सकते हैं, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि डिजिटल प्रिंटिंग हम जब भी यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कम से कम टाइम में मल्टीपल कलर सैंपल्स बना सकते हैं और हम उसमें एक साथ बहुत सारा पैटर्न्स बना सकते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फॉलोइंग क्लाइमेट फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु फैक्टर। ऑप्शंस क्या है, एयर टेम्परेचर, एयर मूवमेंट, एयर ह्यूमिडिटी या सराउंडिंग बैकग्राउंड। अब क्लाइमेट फैक्टर की बारे में बात की गई है, तो क्लाइमेट में हमारा एयर टेम्परेचर आता है, एयर मूवमेंट आता है, एयर ह्यूमिडिटी आती है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। सराउंडिंग बैकग्राउंड्स क्या है, ये हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर में नहीं आता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु, जलवायु में क्या हमारे आसपास का जो वातावरण है, एयर है, उसमें टेम्परेचर है, एयर का मूवमेंट कितनी तेज है, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब चीजें ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, टॉप रेंज यूटेंसिल्स इंक्लूड। टॉप रेंज यूटेंसिल्स मीन्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो फ्रिक्वेंटली यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं उनमें से कौन से यूटेंसिल हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, स्किलेट पैन, सॉस पैन, प्रेशर पैन, मफिन पैन या पाई पैन। तो मफिन्स और पाई पैन्स जो है ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। स्किलेट पैन मीन्स जो हमारा फ्राइंग पैन होता है, सॉस पैन, प्रेशर पैन, ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। टाइप्स ऑफ मार्केट आर, मार्केट के टाइप्स क्या क्या हैं। ऑप्शंस में क्या है, फ्री मार्केट प्रोडक्ट, ऑलिगोपॉली मार्केट, मोनोपॉली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन या मिक्स मार्केट। तो इसमें से हमें बताना है कि परफेक्ट मार्केट कौन कौन सी है। तो ऑलिगो हमारे पास क्या है, ऑलिगोपॉली मार्केट। तो ये क्या होता है, इसमें ऑलिगोपॉली में क्या है, जो हमारा मार्केट है वहां पे जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स मतलब छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं यहाँ पे ऑलिगोपॉली मार्केट में, छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे ऑलिगोपॉली। मोनोपॉली में, मोनो मतलब वन, एक कोई सिंगल बड़ी कंपनी है उसने पूरे मार्केट को ओन कर रखा है, जो भी प्रोडक्ट उस मार्केट में आ रहे हैं वो उस एक सिंगल कंपनी से आ रहे हैं। मोनो मीन्स एक सिंगल बड़ी कंपनी जिसने पूरे मार्केट को कवर कर रखा है, मार्केट में जितनी भी चीजें या जितने भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो एक सिंगल कंपनी से आ रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा, हर एक जो सप्लायर है वो इजिली इस मार्केट में एंटर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो ये हमारा होगा परफेक्ट कंपटीशन। तो 2, 3 एंड 4 हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, ऑलिगोपॉली मार्केट, मोनोपॉली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। ट्राई डायमेंशनल एड्स यूज फॉर क्लास टीचिंग, क्लास टीचिंग के लिए ट्राई डायमेंशनल, कौन कौन से ट्राई डायमेंशनल एड है जो यूज किए जाते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, स्पेसिमेन, फ्लैश कार्ड, मॉडल या स्लाइड्स। यहाँ पे थ्री ट्राई डायमेंशनल मतलब थ्री डायमेंशनल जिसमें हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों चीजें हो। तो जो हमारा हो गया स्पेसिमेन और मॉडल, मॉडल मीन्स एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, पूरा एक फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर, फुल स्ट्रक्चर बट उसको एक छोटे फॉर्म में बना के रखा, उसको हम बोलेंगे मॉडल। स्पेसिमेन मीन्स फुल स्ट्रक्चर का हम कुछ पोर्शन अगर हम बना के दिखा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिमेन। तो ये दोनों हमारे ट्राई डायमेंशनल हो गए, तो हमारा 1 एंड 3 बी बी ऑप्शन सही हो गया। फ्लैश कार्ड क्या होता है, ये ऐसे कार्ड्स होते हैं हर एक, और ये कार्ड्स मेनली एक स्टोरी के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इस पे कोई अवेयरनेस स्टोरी होती है। तो ये नॉर्मली 10 से 12 फ्लैश कार्ड्स यूज किए जाते हैं जिनपे कोई अवेयरनेस मैसेज है,
तो उस मैसेज को स्टोरी के फॉर्म में बनाया जाता है, और ये नॉर्मली जो रूरल एरियाज हैं और वहाँ पे इलिटरेट पीपल हैं उनके लिए यूज किया जाता है। स्लाइड्स जो ट्रांसपेरेंट पेज होते हैं जिनको हम लोग प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ मॉनिटरिंग, इनमें से कौन सा मॉनिटरिंग का मीनिंग बताता है। मॉनिटरिंग मतलब किसी चीज पे कंटिन्यू निगरानी रखना या देखना। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? फाइंडिंग आउट द वीकनेस ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वॉचिंग पीरियडिकली द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम, नोइंग द पोजिशन इन रिलेशन टू द प्रोग्राम, टू अचीव द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे हमें क्या है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, किसी चीज पे कंटिन्यू आप उसको देखते रहना, उसको ऑब्जर्व करना। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम है तो हम उसको अगर प्रॉपरली हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में कोई वीकनेस तो नहीं रह गई है, उसको गड़बड़ी तो नहीं रह गई है। उसके बाद हम प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस है उसको हम पीरियोडिकली देखते रहेंगे कि जो भी हमारा प्रोग्राम है हम उसको कुछ कुछ टाइम पे उसको देखते रहेंगे कि जैसे हमने लेआउट बनाया है हमारा प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है। नोइंग द पोजिशन इन रिलेशन टू द प्रोग्राम, और ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम जैसे हमने 2 आवर्स के बाद हमने देखा हमारा प्रोग्राम एक रिलेटिवली हमने एक लेआउट बनाया कि 2 आवर्स में हमारा प्रोग्राम इतना रन कर जाना चाहिए, उतना प्रोग्राम रन किया है या नहीं किया। मीन्स हमें एक रिलेटिवली टाइम के साथ देखते रहेंगे कि जितना प्रोग्राम हमारा चलना था सेम उस पोजिशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3 हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द 3-टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, तो पंचायती राज का जो 3-टायर सिस्टम है ये किसने दिया था, ये दिया था बलवंत राज मेहता कमेटी ने। तो इसमें जो 3 सिस्टम है उनमें से पहले तो हम देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक तो विलेज पंचायत, दूसरा जिला परिषद। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया ए वाला। लेकिन इसमें 3 कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत, एक पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, उसके बाद जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पंचायत समिति तीसरा हो जाएगा, पंचायत समिति, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। विलेज पंचायत हमारा विलेज लेवल पे होता है, जिला परिषद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला मंडल, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये हमारे पंचायत राज सिस्टम में नहीं आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है, 24 आवर्स डाइट रिकॉल मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डाइट सर्वे। उसका रीजन ये असर्शन क्या कह रहा है कि अगर आपको डाइट सर्वे करना है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो हमारा 24 आवर डाइट रिकॉल मेथड है। मीन्स जो भी हम जिस भी पर्सन की हम डाइट सर्वे कर रहे हैं उसको हम एक दिन के बाद अगले दिन हम उसको पूछेंगे कि लास्ट 24 आवर्स से उसने क्या क्या खाया, उसको याद करके हम एक चार्ट में लिखते जाएंगे। ये तो हमारा असर्शन है। उसके बाद हमारा रीजन क्या है, फूड वेस्टेज कैन बी मेजर्ड बाई 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड। और जो 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड है इससे हम कितना फूड वेस्ट हुआ है इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारा एसर्सन और रीजन दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि एक कोई पर्सन है उसको आप पिछले 24 घंटे की पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या क्या खाया। हो सकता है वो पर्सन एक आदमी स्किप कर जाए या भूल जाए उसने क्या क्या खाया है। और ये हमारा डाइटरी रिकॉल मेथड है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या खाया है। अब इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा कितना फूड वेस्ट हुआ है, कितना फूड वेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारा ये ए असर्सन और रीजन दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो भी हमारे डाइटरी मेथड है, DIETARY, डाइटरी मेथड्स, कौन कौन से डाइटरी मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी पर्सन का अगर आपको डाइट रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो कोई भी 3 मेथड्स के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, लेकिन ये 24 डाइट रिकॉल मेथड आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो Any 3 डाइटरी मेथड्स को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 24 आवर्स डाइट रिकॉल के अलावा
और तीन मेथड कौन कौन से हैं जहां से आप किसी भी पर्सन की डाइटरी इंक्वायरी कर सके या डाइट के बारे में पूछ सके। तो ये अभी तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ये आप जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के या बता के जरूर जाएं, और जो क्वेश्चन है आपके लिए उसका आंसर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।